नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के दौरान 400 से अधिक शिक्षकों की मौत को लेकर हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई थी। इस पर शिक्षक समाज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से शिक्षकों को बीमा सुरक्षा देने के साथ ही कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की भी मांग की थी। हमने इस सिलसिले में शिक्षक संगठनों से जुड़े कई शिक्षिकाओं से भी बात की। उन्होंने भी कोरोना के दौरान ड्यूटी कर रही महिलाओं का दर्द हमसे साझा किया। उन्होंने बताया कि कोरोना ट्रेसिंग, वैक्सीन से लेकर श्मशान तक ड्यूटी लगाई गई है, जिससे महिलाओं को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह उन्होंने बताया। कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने से लेकर 50 लाख का बीमा कवर करने की मांग उन्होंने भी दोहराई है। परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार पर आने वाले संकट का जिक्र करते हुए शिक्षिकाओं ने यह भी मांग की है कि परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। शिक्षिकाओं ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। आप सबको पता है कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी पूरी तरह के तरीका से अपने चपेट में ले लिया है। हमारे शिक्षक साथी सरकार के हर निर्देशों आदेशों का पालन करते हुए, चाहे वो महिला गर्भवती महिला हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो या अन्य कोई बीमारी से ग्रसित महिलाएं हो, सारे अपनी ड्यूटी को निर्वहन आसानी से कर रहे हैं। इनके प्रति न ही सरकार की किसी प्रकार की सहानुभूति है, न ही हमारे अधिकारियों के द्वारा इनके आवेदन को स्वीकार किया जाता है। इनके समय सीमा भी अनिश्चित है। हम सरकार के प्रदेश के मुखिया से निवेदन करते हैं कि इनकी समय को 10 से 2 बजे तक किया जाए, ताकि ये महिलाएं अपनी निष्ठा के साथ में अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी को निर्वहन कर सके, साथ ही अपनी ड्यूटी को भी निभा सके। साथ ही मैं छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन की ओर से मांग करती हूँ सरकार के मुखिया से, प्रदेश के मुखिया से, कि जिनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई है, उनके परिवार वाले को अतिशीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए और साथ ही 50 लाख का बीमा करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में घोषित करते हुए इनको वैक्सीन की सुविधा प्रदान की जाए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं डॉक्टर सांत्वना ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ। मैं छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध निवेदन करत हूँ कि ये वैश्विक महामारी के दौर में छत्तीसगढ़ में जो हमारे शिक्षक भाई बहनी मन आज अपन योगदान देवत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाके भी आज अपन योगदान देवत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये कहे गए कि शिक्षक मन ला गैर शिक्षकी कार्य से दूर रखे जाए, ओकर बावजूद भी आज जो छत्तीसगढ़ में महामारी के दुर्दशा है, ओकर बावजूद हमारे शिक्षक भाई बहनी मन पाछू नहीं हटे हैं अपन सेवा दे पर। ओकर बाद आज उनकर मन के ड्यूटी वैक्सीनेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर और यहाँ तक शमशान घाट तक में बिना ट्रेनिंग के उनकर मन के ड्यूटी लगा दिएगी। ओकर बाद 400 से 450 हमर आज शिक्षक भाई बहनी मन दिवंगत हो चुके हैं। पहली तो मैं उमन ला श्रद्धांजलि देवत हूँ और सरकार से बारंबार निवेदन करत हूँ कि उनकर ऊपर ध्यान देवें, उनकर उमन ला अनुकंपा नियुक्ति उनकर परिवार वाले मन ला देवें और जो बाकी भाई बहनी मन, जो शिक्षक भाई बहनी मन आज अपन सेवा देवत है, उमन ला फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित करे जाए और अन्य जैसे जो कर्मचारी है जो मन कोरोना टाइम में अपन जो सेवा देवत है, उमन ला जो सुविधा मिलत है, जैसे 50 लाख के बीमा है और अन्य जो सुविधा है, ओखर से भी हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक भाई बहनी मन ला दूर न रखे जाए। और ये महामारी के दौर में पुरुष शिक्षक साथी भाई मन ही नहीं, जबकि महिला शिक्षिका बहनी मन भी आज पीछे नहीं है और कई महिला शिक्षिका बहनी मन भी दिवंगत हो चुके हैं, आज अपन परिवार ला रोबत बिलखत अकेला छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे दशा में छत्तीसगढ़ सरकार से बारंबार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के ये शिक्षक भाई बहनी मन के ऊपर भावपूर्ण ध्यान देवें और ओमन ला फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित करें और साथ ही साथ ओमन ला समस्त सुविधाएं जो अन्य कर्मचारी मन ला मिलत है ओमन ला दिए जाए। मैं बारंबार निवेदन करत हूँ और मुला पूरा आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि सरकार हमर मांग के अनदेखी नहीं करी। जय जोहार, जय जोहार। कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी पर हमारे शिक्षक समाज ने, शिक्षक समाज को शासन ने कई प्रकार की ड्यूटी, कोरोना की कई प्रकार की ड्यूटी लगाया गया है, वैक्सीन, ट्रेसिंग, टीकाकरण, अन्य कई का जानकारी के लिए उनको ड्यूटी लगाया गया है तथा वह शिक्षक समाज के हितों को देखते हुए अपना समस्त काम बखूबी से निभाया भी जा रहा है। इसी बीच कई शिक्षक संक्रमित हुए हैं, हजारों शिक्षक संक्रमित हुए हैं तथा 400 से भी अधिक शिक्षक हमारे बीच नहीं रहे, अपने जान से भी उनको अपना गंवाना पड़ा।
उनके परिवार को भी बहुत दिक्कतें आ रही है, ना ही शासन उनको उनके परिवार को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया गया है, ना ही हमको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है और ना ही हमको 50 लाख का जो बीमा राशि है वो भी नहीं मिला गया है। तो शासन अपना चुप्पी साधे बैठे हैं, ना ही हमारे अन्य मांगों को पूरी कर रहे हैं और ना ही हमको कोई सुविधा दे रहे हैं। इससे हम अपने आगे भविष्य के लिए अपनी जान को संकट में डालकर जो हम उनके कहे अनुसार आदेशानुसार हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, इसी बीच कुछ हो गया तो शासन अपने ऊपर ये नहीं ले रहे हैं कि हम क्या करें। जो 400 से अधिक परिवार जो 400 से अधिक शिक्षक यहाँ से अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा है, उनके परिवार को 50 लाख की बीमा और तत्कालिक उनको अनुकंपा नियुक्त किया जाए तथा उनको आर्थिक रूप से भी मुआवजा दिया जाए और हमको शिक्षकों को जो जो जिसकी जिसकी ड्यूटी लगे उनको कोरोना वॉरियर्स के भी दर्जा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का भयानक प्रकोप है, जिसके रोकथाम के लिए विभिन्न विभाग के कर्मचारी अधिकारी शासन प्रशासन के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जिसमें एक शिक्षा विभाग है, शिक्षकों को ना कोरोना का प्रोटोकॉल के तहत सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं और न ही सुरक्षा दिया जा रहा है। शिक्षकों को क्वारंटाइन सेंटर, कॉल सेंटर, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, टीकाकरण केंद्रों, यहां तक कि उनको शमशान घाट में भी ड्यूटी दिया गया है, जिसमें हमारे हजारों शिक्षक साथी संक्रमित हो रहे हैं, जिसमें 400 से अधिक शिक्षक साथी काल के गाल में समा चुके हैं और यह अभी भी विराम नहीं लगा है। दिवंगत शिक्षक परिवार एवं संक्रमित शिक्षक परिवार को सरकार के द्वारा न सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं और न ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ी दुखद बात है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन सहित तमाम शिक्षक संगठन शासन को के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षकों के परिवार को कोरोना वॉरियर का दर्जा, 50 लाख बीमा कवर, दिवंगत शिक्षक परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनसुना करते आ रही है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक साथी हतोत्साहित, भय और आक्रोशित पनपने लगा है। मैं श्रीमती बनमोती, प्रांतीय सह सचिव सहायक शिक्षक फेडरेशन सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, शिक्षकों को 50 लाख बीमा कवर, दिवंगत शिक्षक परिवार को अनुकंपा नियुक्ति सहित नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करें और हमारी मांगों पर ध्यान दें। सरकार अगर हमारी मांगों पर ध्यान या अनसुना करती है तो निश्चित ही हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी सरकार के ऊपर जाएगी। मैं श्रीमती बनमोती चिंतामणि भोई, प्रांतीय सह सचिव सहायक शिक्षक फेडरेशन छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, आपसे सादर निवेदन कि पिछले एक साल से जो हम कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभाग के साथ साथ गैर शिक्षकीय कार्य जो हमारे शिक्षकों द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें वैक्सीनेशन सेंटर, शमशान घाट, क्वारंटाइन सेंटर, कॉल सेंटर और कॉन्टेक्ट सेंटर है, और हमारे शिक्षक साथी पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। कोरोना की इस महामारी में काम कार्य करते करते कोरोना ग्रसित भी हो रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सैकड़ों साथी कोरोना से जंग हार चुके हैं, जिस कारण कई परिवार बिखर चुका है। आपसे सादर निवेदन है कि हमारे प्रदेश के शिक्षकों को प्रथम श्रेणी का कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दें,
50 लाख का बीमा प्रदान करें और जो साथी अपना प्राण गंवा चुके हैं उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दें और विशेष राहत पैकेज प्रदान करें। मैं श्रीमती बंगोमा रानी, प्रांतीय पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, जिला कांकेर। नमस्कार। नमस्कार, मैं नसरीन बानो, जिला प्रवक्ता, महिला प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ सूरजपुर से। कुछ बातों को लेकर आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें से प्रमुख यह है कि इस महामारी काल में हमारे शिक्षकों को जो भी दायित्व दिया गया वो बखूबी निभा रहा है, जो आपसे छुपा नहीं है। लेकिन तकलीफ बस इस बात की है कि उन महिला साथियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है जो गर्भवती हैं, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, और ना ही ड्यूटी लगाई जा रही है बल्कि संक्रमित हो रही हैं। साथ ही साथ वो बच्चा भुगत रहा है जो बहुत छोटा है, वो भुगत रहा है जो इस संसार में अभी आया भी नहीं। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति की भी कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, ना कोई बीमा, ना कोई सुरक्षा, और इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी, इतनी जाने जाने के बावजूद भी हमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि वो हमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स का दर्जा दें और 50 लाख का बीमा सुनिश्चित करें। नमस्कार। नमस्कार। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की सदस्य श्रीमती संगीता पाटले, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से अपील करती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं एसोसिएशन की, कोविड-19 से दिवंगत शासकीय अशासकीय सेवकों के नाबालिग वारिस बच्चों का देखभाल, नक्सलियों के हमले से हुए मृतक के बच्चों की भांति मिलने वाली सुविधाएं के अनुरूप रहने खाने का पढ़ने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन करे। सहायक शिक्षक के पद में अनुकंपा नियुक्ति देने, नियमों में परिवर्तन करने तथा कोविड भत्ता के रूप में आर्थिक मदद देवे। कोविड ड्यूटी के संक्रमण से निजी अस्पतालों में भर्ती शिक्षक, शासकीय अशासकीय सेवकों को का पूरा खर्च सरकार वहन करे। सहायक शिक्षक के पद में अनुकंपा नियुक्ति देने, नियमों में परिवर्तन करने तथा कोविड भत्ता के रूप में आर्थिक मदद देवे। कोरोना ड्यूटी में फ्रंट लाइन मानकर शिक्षक कर्मचारियों का 50 लाख तक की बीमा देने की मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से हम अपील करते हैं कि हमारी मांगों का अतिशीघ्र विचार करके हमारी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं जलेश्वरी चतुर्वेदी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सनम्र निवेदन है कि कोरोना वायरस प्रदेश में तेजी से पसरा हुआ है और जिसमें हमारे शिक्षकगण एवं अन्य कर्मचारी कोरोना की ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। कोरोना ड्यूटी के दौरान प्रदेश में लगभग 500 से 700 से अधिक शिक्षकों का निधन हो चुका है, जो बहुत ही दुखद है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में नियमों को शिथिल करते हुए दिए और टेट से नियुक्ति तत्काल प्रदान करें। साथ ही शिक्षकों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए। विशेष सहायता राशि कम से कम 20 लाख से
एवं अधिक से अधिक 50 लाख तक का कोरोना विशेष भत्ता भत्ता सहायता राशि दिया जाए एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार की सहायता एवं संरक्षण करें, और जिससे शिक्षकगण जो अभी की स्थिति के अनुसार बहुत ही उनकी स्थिति गंभीर हो चुकी है, तो उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका जो खर्च हुआ है कोरोना वायरस के चक्कर के कारण, तो उस राशि को मुख्यमंत्री अपने फंड सहायता फंड से उनको सहयोग करें। धन्यवाद। मैं जलेश्वरी चतुर्वेदी गवर्नमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से। नमस्कार। आज संपूर्ण देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, और इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारी कदम से कदम मिलाकर कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये मैं आज इसलिए कह रही हूं क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है। जैसे ना उन्हें कोई मास्क दिया गया है, ना सैनिटाइजर दिया गया है, ना पीपी किट मुहैया करवाई गई है, यहां तक कि उन्हें 50 लाख का जीवन बीमा कवर तक नहीं दिया गया है। और ऐसी स्थिति में कई कोरोना की ड्यूटी करते हुए हमारे कई भाई बहनों ने अपनी जान गंवा दिए हैं, और उनके जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ की तरफ से कई बार मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राज्यपाल जी को इस बात से अवगत कराया गया है, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं आई है, जो बहुत ही दुखदाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी आपके यहाँ कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें कोरोना वॉरियर्स का, फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दीजिए, और उन्हें उनकी जो उस पूरी सुविधाएं हैं वो दिलाने का कष्ट कीजिए। नमस्कार। टूटे ना कोई और सितारा, आओ दुआ करें। बिछड़े ना कोई हमारा, आओ दुआ करें। समस्त जो कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार एवं आभार। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ड्यूटी करते करते हमारे 400 शिक्षक कर्मी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मैं उन 400 शिक्षा कर्मी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, और शासन का ध्यान आकर्षित करके यह मांग रखना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी, हमारी जो महिला शिक्षक है वो आज दोहरी भूमिका निभा कर भी कोरोना संक्रमण में अपनी ड्यूटी कर रही है। पहला परिवार की जिम्मेदारी निभा कर फिर कोरोना ड्यूटी करती है। ऐसी महिलाओं को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, और मुख्यमंत्री से मांग करती हूँ कि जितने भी शिक्षक कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको तत्काल 50 लाख बीमा कवर दिया जाए, एवं उनके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में उग्र आंदोलन होने की संभावना है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती मोना रजक, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन कान के। हर परिस्थिति में शिक्षक साथी ड्यूटी करता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। जैसे कोरोना टेस्टिंग, कॉल सेंटर, अस्पताल में ड्यूटी करना हो, या गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना हो। हमारे शिक्षा साथी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, और कई लोग अपनी जान तक गंवा बैठ रहे हैं। इससे परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलने में बड़ी परेशानी हो रही, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति बड़ी जटिल कर दी गई है। हमें पुराना पेंशन बहाल अब तक नहीं मिला है, और अन्य राज्यों में देखा जाए तो झारखंड, बिहार, यूपी में 50 लाख का बीमा कवर दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा सादर निवेदन है कि वह 50 लाख का बीमा कवर कर्मचारियों को दे, और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा करे, जिसका छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन अत्यंत आभारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना काल में दिवंगत साथियों को विनम्र श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारी और उच्च अधिकारी के द्वारा शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी ने अब तक 376 शिक्षकों की जान ली है।
मैं राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश सरकार की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कार्यरत शिक्षकों के लिए 50 लाख बीमा राशि की घोषणा किया जाए, ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए, बकाया समस्त शर्तों का भुगतान किया जाए और संक्रमण से ग्रसित दिवंगत शिक्षकों के परिजन को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए। मैं उमा जाटव, नई शिक्षक संघ छत्तीसगढ़। आपने सुना कि शिक्षिकाओं ने कोरोना के दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं की मृत्यु पर अपनी बातें किस अंदाज में रखी। अब यह व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों के ऊपर है कि वे इन मुद्दों पर विचार कर किस तरह का कदम उठाते हैं। सीजीवाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर कीजिए। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को आपकी ओर से एक बड़ी सौगात होगी। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।